नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अप्रैल, दिन हो गया आज बुधवार का। ये जान लेते हैं आज का पंचांग, आज क्या कहता है पंचांग, कब शुभ मुहूर्त लगेगा, कब अशुभ मुहूर्त लगेगा, आज कौन से तीज त्यौहार पड़ रहे हैं। यदि आप आज कोई भी शुभ कार्य करने की सोचते हैं, जैसे कि आपको कोई घर खरीदना हो, दुकान लेना हो, कोई मुहूर्त करना हो, कोई पूजा पाठ हवन इत्यादि करना हो, तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी वह सफल होता है। इसलिए रोजाना पंचांग जरूर देखना चाहिए। यदि आप रोजाना पंचांग देखना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो आइए जान लेते हैं 22 अप्रैल दिन बुधवार का पंचांग। आज सूर्य उदय सुबह 5:48 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगी। नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, जो कि 1:18 तक दोपहर तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगे। योग विष्कंभ योग है, जो कि रात 10:18 तक, उसके बाद प्रीति योग लगेगा। करण चतुष्पाद करण है, जो शाम 6:47 तक, उसके बाद नाग करण रहेगा, जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। बुधवार का दिन चल रहा है शक संवत 1942, शरवर विक्रम संवत 2070 प्रमाथी और चल रही है। सूर्य राशि मेष और चंद्र राशि मीन राशि है, वहीं सूर्य नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। आइए अब बात कर लेते हैं आज के शुभ और शुभ मुहूर्त के बारे में। आज के दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए आज के दिन कोई भी शुभ कार्य ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं आज विजय मुहूर्त है, जो कि दोपहर 2:30 से लेकर दोपहर 3:22 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:38 से शाम 7:42 तक रहेगा। तो ये थे आज के शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं आज के अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल के बारे में। आज जो राहु काल है वह दोपहर 12:20 से प्रारंभ होकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। आइए अब जान लेते हैं आज के तीज त्यौहार। आज वैशाख अमावस्या है, जिसे हम दर्श अमावस्या भी कहते हैं। तो ये था 22 अप्रैल 2020 का पंचांग। हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होगा। यदि आज का पंचांग आपको पसंद आए हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह भी पंचांग जान सके और उसके अनुसार अपने कार्य कर सके। धन्यवाद।